हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है प्रभात राय के नाम से आप सर्च कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। और यदि हमारे पढ़ाए हुए अंदाज आपको पसंद आता है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। आज हम आपको ग्रामर का कंटेंट पढ़ाने जाएंगे, जिसमें हमें सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको क्या देखने को मिलता है कि चलिए हम थोड़ा सा पढ़ाते हैं आपको, देखते हैं। ये हमारा जो लेवल होगा ये क्लास सिक्स स्टैंडर्ड से लेकर के या फिफ्थ जो भी हो वहाँ से लेकर के अब हायर लेवल तक कहीं पर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ये बना देगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब समझिए स्पीच जो आप भाषण देते हैं या वो देते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे आप कितने भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में बात करते हैं, तो नाउन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के ढेर सारे पार्ट्स होते हैं। कम से कम आठ की हम चर्चा करते हैं और आठ में हम किन की चर्चा करेंगे वो समझ लेते हैं। पहले को हम कहते हैं कि नाउन, दूसरा जो हमारा है सेकंड वन इज प्रोनाउन, थर्ड वन एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब हो गया, फिफ्थ नंबर उसे कहते हैं एडवर्ब कहते हैं, सिक्स्थ नंबर जो होगा उसे हम क्या कहते हैं प्रीपोजिशन होता है, सेवेंथ नंबर क्या होता है उसे कहते हैं कंजक्शन होता है, और एट्थ नंबर होता है जिसे कहते हैं इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अपने टॉपिक नाउन पे। सबसे पहले हम किस पे चर्चा करेंगे दोस्तों, तो वो दोस्तों है आपका नाउन। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट नाउन। बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझिए नाउन है क्या। नाउन को जनरली कहा जाता है, छोटे बच्चों के लिए कहा जाता है या जो भी होता है, कि जितने भी आप नाम सुनते हो उन सबको हम एक शब्द में कहते हैं ये नाउन है। नाउन छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। इसकी थोड़ी स्पेसिफिक हमारे डेफिनेशन बन जाए तो उसे क्या कहा जाए वो भी समझ लीजिए। एग्जैक्ट इसकी जो डेफिनेशन है उसे क्या कहेंगे हम? कहा जाता है अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, और थिंग्स। एग्जाम्पल आपको ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे मान लीजिए राम किसी व्यक्ति का नाम है, मोहन ये भी किसी एक व्यक्ति का नाम है, काऊ एक हमारी एनिमल का नाम है, जैसे मैंने कहा गोरखपुर, ये हमारे एक प्लेस का नाम है, जैसे मैंने कहा ताजमहल, ये भी क्या है एक प्लेस का नाम है, और मैंने कहा ब्रिंजल, ये भी क्या है एक सब्जी का नाम है। इसका मतलब क्या है? ये क्या है आपका? थिंग्स में आ गया। इस प्रकार से जितने भी आपको ये नाम दिख रहे हैं इन सबको हम एक शब्द में कहते हैं ये नाउन होता है। आप कह सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग और एन आइडिया। कोई भी चीज़ जिसको हम कोई नाम दे सकते हैं ना उसे कहते हैं नाउन।
बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी आपको, आप यहाँ तक पाओगे कि आप अपने आसपास के जो जिस भी चीज़ को आप देखो, वट एवर यू थिंक सराउंडिंग इन योर, वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आपको नाउन मिल जाएगा। क्योंकि हर एक चीज़ जो आपके अगल बगल दिखती है या सराउंडिंग में दिखती है उसे आप क्या देते हो, एक नाम देते हो, नाम देते हो तो उसको नाउन हो गया। वट एवर यू थिंक्स इन योर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड अ नाउन बिकॉज यू विल नेम इट, क्योंकि आप उसको नाम दोगे, नाम दोगे तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। चलिए, लेकिन हम इसके नाउन के जो काइंड्स होते हैं उस पर हम जरा चर्चा कर लेते हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नंबर ए होता है प्रॉपर नाउन। क्या होता है दोस्तों, प्रॉपर नाउन। आप इसे मेरे साथ अपने कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, आशा करते हैं अपने जब भी कोई एजुकेशनल वीडियो देखा जाता है सबसे पहले क्या करें, आप अपने साथ कॉपी पेन अपने हाथ में होना चाहिए, दिमाग को कंसंट्रेट करें, माइंड को फोकस्ड करें, पढ़ाई पे इधर उधर ध्यान ना भटकाएं। तो पहला हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, सेकेंड वन होता है हमारा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। सी के हैं, थर्ड के हैं, वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर, हो गया कॉमन हो गया। चलिए थर्ड वन को हम लेते हैं कलेक्टिव नाउन, फोर्थ को कहें हम डी, वो है आपका मटेरियल नाउन, फिफ्थ को कहें हम ई, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब जो हमारा है तो हमारा हम अब स्पेसिफिकली अब एक एक टर्म्स को चर्चा करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, और भी हमारे टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन के जिसमें हम बता सकते हैं कि आज जो मॉडर्न हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो उसको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल में बांट देते हैं, और भी होते हैं कंपाउंड नाउन होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे हैं, हम चर्चा एक एक जो करेंगे। पर लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा प्रॉपर नाउन है क्या। ठीक है, चलिए तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है पहला प्रॉपर नाउन। वर्ड से समझिए, वर्ड में सारा खेल होता है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं आपको, प्रॉपर में वर्ड क्या आता है ध्यान रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी एक स्पेशल पर्सन की चर्चा की जाएगी, स्पेशल नेम होगा। ठीक है, स्पेशल नेम कहिए या, और बी पॉइंट इसे ही कहते हैं पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नेम, या यूं कहें हम किसी व्यक्ति या किसी चीज का इंडिविजुअल नेम होगा। ठीक है, तो समझिए इस बात को, प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन इज द नेम, उस नेम कैसा रहेगा तो स्पेशल होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, किसी भी, चाहे वो पर्सन का हो, चाहे वो प्लेस का हो, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे वो थिंग का हो, कोई भी हो, बट ओवरऑल इसमें की वर्ड क्या है, वॉट इज द की वर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉपर नाउन या टू डिफ्रेंशिएट द प्रॉपर नाउन विद अदर नाउन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है वो समझ लीजिए, वो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग और वट एवर, उसका क्या होता है स्पेशल नेम होता है, पर्टिकुलर नेम होता है, उसकी डेफिनेशन ही बन जाती है, वॉट बन, क्या डेफिनेशन हो जाती है कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर या स्पेशल या इंडिविजुअल नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं किसी भी व्यक्ति का नाम लीजिए, आप लोग अपना अपना नाम लिख सकते हैं, यू कैन राइट योर नेम ऑल्सो बिकॉज यू आर स्पेशल, यू आर स्पेशल। ओके,
जैसे सपोज मान लीजिए इसमें से किसी व्यक्ति का नाम होगा प्रियांशु, निश्चित ही नाम होगा। जैसे माना नाम लिया मैंने, लिया दिव्यांशु, किसी का नाम मान लीजिए अंश होगा। चलिए किसी भी ऐसे व्यक्ति का मैंने पर्सन का नाम ले लिया, अब किसी प्लेस का नाम ले लिया, जैसे हो गया अंश हो गया, किसी प्लेस का नाम ले लीजिए। जैसे मान लिया आपने नाम ले लिया, मान लिया इंडिया का नाम लिया, जैसे अपने गोरखपुर का नाम ले लिया, अपने यूपी की कैपिटल ले लीजिए, लखनऊ का ले लीजिए, प्लेस का हो गया। एनिमल जैसे ले लीजिए, मान लीजिए नाम मैंने लिख दिया बंगाल टाइगर, क्या हो गया बंगाल टाइगर, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, एटसेट्रा कर दे रहा हूँ, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे हैं प्रॉपर नाउन। ये सारे के सारे जो नेम दिख रहे हैं आपको, ये आपके प्रॉपर नाउन में कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, स्पेशल नेम है, पर्टिकुलर नेम है। और एक और बात क्या करिए, आप इसे नोट डाल के कर लीजिए कि प्रॉपर नाउन आर रिटेन इन एवरीवेयर या वट एवर इन द सेंटेंस, उसका प्लेस कहीं भी हो सेंटेंस में, उसका फर्स्ट लेटर, उस समय से किसमें लिखते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन, मैं पी एन कर दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटेन इन कैपिटल, ओके। इस बात को कंसीडर कर ले, समझ ले बड़े आसानी से। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ, जैसे जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि योर नेम इज रण वीर सिंह, पकड़िए, आपका नाम रणबीर सिंह है। अच्छा भैया रणबीर सिंह होगा कि नहीं होगा, इसको भी देख लेते हैं, इसको ज़रा देखिए। मैंने इसके नाम का जो रणबीर सिंह किसी पर्सन का नाम होगा, स्पेशल है, स्पेशल उसका फर्स्ट नेम मैंने क्या लिखा है, देख रहे हैं आपको, फर्स्ट इसका जो लेटर किसमें है, कैपिटल। इसकी जो टाइटल है ये भी हमारा क्या है, कैपिटल। इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है। कॉमन नाउन को हम नहीं लिखते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन को हमेशा हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर का उसका फर्स्ट लेटर होना चाहिए, ओके। चलिए लेट अस कंसीडर नेक्स्ट वन। प्रॉपर नाउन में हमारा इतना ही होता है, बस इतना ही जान लीजिएगा कि उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसमें क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट क्या हमारा है, दूसरा पॉइंट है आपका कॉमन नाउन का। देखते हैं कॉमन नाउन क्या है, तो वो होता है कॉमन नाउन, वर्ड ही इसमें कीवर्ड यहीं पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दैट दिस इज कॉमन, कॉमन वो थिंग्स हो, कॉमन पीपल हो या पर्सन हो, या कॉमन पीपल हो, या आपका कॉमन कुछ भी हो, थिंग्स हो गया, पीपल हो गया, किसी प्लेस की बात करता है, या किसी एनिमल की बात करता है, किसी भी चीज़ का एट्सेट्रा। तो इसमें क्या हमें कंसीडर करना है, इसमें कंसीडर करना है सबसे पहले क्या, वही बात, कॉमन थिंग्स में कॉमन चीज़ होनी चाहिए। मतलब इसमें आपको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में कई सारे स्टूडेंट हैं, उनको मैं अलग नाम से देखता हूँ। जैसे मैंने लिखा रोहन, मैंने किसी को लिखा सोहन, मैंने किसी को लिखा मोहन। चलिए ये कॉमन नेम होते हैं, रोहन हो गया, सोहन हो गया, मोहन हो गया। और कुछ नाम हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया रवि,
मैंने कहा सुरेश। ध्यान से देखिए तो ये सारे नेम क्या हैं, दीज ऑल आर नेम ऑफ सम बॉयज। ये सारे इंडिविजुअल नेम, ये प्रॉपर नाउन के एग्जांपल हैं, और जो बॉयज़ है ये आपको दिखा रहा है यहाँ कि दिस इज द कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि सारे किसी एक चीज़ से बिलोंग करते हैं, क्या कि वे सब लड़के हैं, तो इनको मैं बोल दिया बॉयज। आप एक अदर एग्जांपल समझिए इसी का, जस्ट जैसे हमारे मैंने नाम लिखा, आप कोई नाम लड़की का नाम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि सीमा, मान लीजिए नाम हो गया सीमा, एक मैंने नाम लिखा रीमा, एक मैंने नाम लिखा सुलेखा, मैंने नाम लिखा मीना। ध्यान से देखिए तो ऑल दीज आर नेम्स रिलेटेड टू गर्ल, हो गया। आपको ढेर से एग्जांपल ताकि आपका डाउट फिर कभी वो ना हो मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे एग्जांपल समझिए, कुछ मैं प्लेस के नाम लिख दे रहा हूँ, जैसे एग्जांपल देखिए मैंने लिखा गोरखपुर, मैंने लिखा दिल्ली, मैंने लिखा मुरादाबाद, मैंने लिखा चेन्नई। ध्यान से देखिए ऑल दीज आर रिलेटेड टू द नेम ऑफ सम सिटीज, देख रहे हैं ये सारे सारे क्या हैं, प्लेस हैं। तो जब किसी सेम काइंड से सारे चीज़ रिलेट करते हैं, सेम काइंड ऑफ वर्ड की वर्ड है इसमें सेम काइंड, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा थर्ड वन टॉपिक है कलेक्टिव नाउन, वर्ड है कलेक्टिव नाउन, वर्ड ही इसमें आंसर इसमें छिपा हुआ है, क्या कलेक्शन, वर्ड क्या है कलेक्शन, या कह सकते हैं क्या इसमें ग्रुप की बात होगी। द कलेक्टिव नाउन सेज अबाउट द ग्रुप ऑफ पीपल या पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग एटसेट्रा, सब कुछ। एग्जाम्पल जैसे दे सकते हैं किस चीज़ का, कलेक्टिव नाउन इज द नेम, या कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एटसेट्रा। ओके चलिए, जैसे इसमें एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मैंने कहा अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, देखते देखते हैं खिलाड़ियों का जो ग्रुप होता है उसे कहा जाता है ये हमारी टीम है, क्या कहा जाता है टीम। ऐसे ही कहा जाता है कि अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, मान लीजिए सिपाहियों का जो समूह हो तो उसे क्या नाम दिया जाता है, कहा जाता है भाई हमारे देश की क्या है आर्मी है। वर्ड्स देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा अ ग्रुप ऑफ कीज, जब चाबियों के रखने का जो स्थान होता है एक साथ उसको क्या कहते हैं बंच कहा जाता है, तो बोला जाता है बंच ऑफ कीज, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, टीम ऑफ प्लेयर्स। वैसे ही मैंने कहा अ ग्रुप ऑफ एंट्स, चींटियां कहाँ रहती हैं तो वो अपनी कॉलोनी बना कर रहती हैं। जो समुद्री जहाज़ों का वो निकलता है तो कहा जाता है अ ग्रुप ऑफ शिप्स, समुद्री जहाज़ों का उसे कहा जाता है क्या फ्लीट, कहा जाता है समुद्री जहाज़ों का बेड़ा निकलता है फ्लीट निकलता है फ्लीट ऑफ शिप्स। वैसे ही कहा जाता है अ ग्रुप ऑफ कह सकते हैं थीप्स, चोरों का तो कहा जाता है क्या गैंग है, डाकुओं का समूह, चोरों का समूह, तो गैंग बोला जाता है। जैसे मैंने कहा अ ग्रुप ऑफ आपका ले सकते हैं फिश, मछलियां जो चलती हैं उसको कहा जाता है स्कूल, क्या कहा जाता है स्कूल भी कहते हैं या शोल भी कहते हैं, इस वर्ड को ध्यान रखें।
ठीक है। चलिए इस वर्ड को हमेशा ध्यान रखें। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं आपको, थोड़ा सा जस्ट मिनट, कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं उसको कहते हैं क्राउड, भीड़ होता है। उसी तरीके से अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जहाँ पर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है क्लास। क्या कहा जाता है दोस्तों, क्लास। ओके चलिए तो फिर हम आगे चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। व्हाट इज दैट, दैट इज मैटेरियल नाउन। कीवर्ड्स यहीं से फाइंड आउट करना है, वर्ड है मैटेरियल। वो किस पदार्थ से, किस मटेरियल से कोई ऑब्जेक्ट मिलकर बना होता है उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन इज द नाउन दैट आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल्स। मटेरियल नाउन क्या है, इस प्रकार का नाउन है जो क्या होता है, कुछ प्रकार के वो मटेरियल्स मिलकर बना हुआ है। जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। जैसे ये किससे मिलकर बनी हुई है, तो हम कह सकते हैं क्या कि लकड़ी से मिलकर बनी हुई है। लकड़ी क्या भैया, क्या है हमारा मटेरियल नाउन है। जैसे मैंने कहा दिस रॉड इज मेड ऑफ आयरन, ये आयरन से मिलकर बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं क्या मटेरियल नाउन है। जैसे महिलाएं ज्वेलरी पहनती हैं, तो मैंने कहा दिस ज्वेलरी इज मेड अप ऑफ क्या, तो गोल्ड। तो वर्ड क्या है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एटसेट्रा। ऑल दीज आर नोन एज मटेरियल नाउन। ओके एंड द नेक्स्ट वन, अगला हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या हो गया, हम ऐसे नाउन्स को लेंगे जिसके बारे में हम केवल क्या कर लें, फील कर सकते हैं, हम उसे क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर पाएंगे। टच नॉट, ओनली फील। जैसे जितने भी आइडियाज आएंगे सारे इसी में आएंगे, जितने भी थॉट्स आते हैं सारे इसी में आ जाएंगे। ठीक है, जितनी भी कंडीशंस होती हैं सब इसी में आ जाएंगी, जितने भी एक्शंस हैं सारे इसी में आ जाते हैं। फीलिंग की ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके हैं, जैसे जितने फीलिंग्स हैं सारे इसी में आएंगे, इमोशंस सारे इसी में आएंगे। इन सारे को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेफिनेशन दे सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज नाउन्स विच रेफर टू द क्वालिटीज, कंडीशंस, आइडियाज, इमोशंस, एक्शंस, फीलिंग्स एटसेट्रा। जिसके बारे में एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम क्या चर्चा करते हैं, फीलिंग्स की, आइडियाज की, थॉट्स की, कंडीशंस की, एक्शंस की, जिसे हम महसूस करते हैं टच नहीं कर पाएंगे। ओके इस प्रकार से हमारा नाउन का चैप्टर कंप्लीट होता है। बट ओवरऑल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखा देंगे कि इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस प्रकार से हम चेंज करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तब तक के लिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।